नमस्कार दोस्तों, शेयर बाजार की बात करते हैं, स्टॉक मार्केट की बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, टाटा स्टील लिमिटेड की बात करते हैं। Q4 के नतीजे आने थे 3/5/2022 को, Q4 FY22 के नंबर्स आने थे। स्टॉक प्राइस 1300 के आसपास है, 1297-1290 के आसपास है। और एक बड़ी न्यूज आई है स्पील्ड के बारे में दोस्तों, डिविडेंड भी दिया गया है कंपनी के द्वारा और स्पील्ड क्या गया है तो सारी जानकारी इस वीडियो में लेते हैं और जो Q4 के नतीजे हैं उसे चेक करते हैं। जो ब्रोकरेज हाउसेस का अनुमान था उससे बढ़कर कहने का मतलब क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से क्या रेवेन्यू आया, टोटल इनकम कितना बढ़ा है, सालाना कितना बढ़ा है और नेट प्रॉफिट कितना आया है, अर्निंग पर शेयर क्या है। न्यूज़ थी कि स्पील्ड या बोनस दिया जा सकता है तो कंपनी ने स्पील्ड किया है, तो कंपनी ने जो अपडेट दिया है स्पील्ड के बारे में अपडेट दिया है दोस्तों, कंपनी की तरफ से एक बड़ा अपडेट आया है। और जैसे कि बोनस और स्पील्ड की न्यूज़ थी तो कंपनी ने कंसीडर किया है स्पील्ड के लिए और ये अपडेट इन्होंने दिया है। बोर्ड कंसीडर द प्रपोजल फॉर सब डिविजन ऑफ वन इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी हैविंग फेस वैल्यू ऑफ ₹10 इच इंटू 10 इक्विटी शेयर हैविंग फेस वैल्यू ऑफ ₹1 इच। फेस वैल्यू ₹10 का है इस वक्त, ₹1 का फेस वैल्यू हो जाएगा और एक इक्विटी शेयर के बदले 10 इक्विटी शेयर हो जाएंगे। और एक बड़ी खबर है स्पील्ड रेशियो की, तो स्टॉक में एक तेजी आने की भी संभावना रहेगी और एक बड़ा अपडेट दिया है स्पील्ड के लिए। जब भी कंपनी स्पील्ड करती है तो फेस वैल्यू कम हो जाता है, स्पील्ड रेशियो जो होता है तो फेस वैल्यू उसी तरह से कम हो जाता है। टाटा स्टील का फेस वैल्यू इस वक्त ₹10 का है, आने वाले दिनों में ये ₹1 का फेस वैल्यू हो जाएगा। इन्होंने ये दिया है कि रेगुलेटरी और शेयर होल्डर से अप्रूवल भी लेगी कंपनी। बड़ी खबर है शेयर होल्डर्स के लिए, आने वाले दिनों में कम प्राइस में भी शेयर को देखेंगे हम लोग। तो ये स्पील्ड होने वाला है टाटा स्टील का स्टॉक दोस्तों। दोस्तों टाटा स्टील के Q4 के नंबर्स को चेक कर लेते हैं और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट है ये। और टोटल इनकम की बात करते हैं, 30/3/2022 में जो टोटल इनकम आया है टाटा स्टील का 69,615 करोड़ का टोटल इनकम है और साल भर पहले देखिए 50,300 का था और Q3 में और साल भर पहले 50,300 करोड़ का था और Q3 में 60,842 करोड़ का था। तो देखिए सालाना टोटल इनकम बढ़ के आया है 69,615 करोड़ का और क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से भी बढ़ा है, लगभग 9,000 करोड़ का टोटल इनकम बढ़ा है दोस्तों। आगे की तरफ चलते हैं, एक्सपेंसेस की बात करते हैं और एक्सपेंसेस का कॉलम ये है टोटल एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो 57,635 करोड़ का है इस क्वार्टर में और टोटल इनकम है 69,615.70 करोड़ का। आगे की तरफ चलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर टैक्स की बात करते हैं तो 11,864 करोड़ का है और एक साल पहले 9,356 करोड़ का था, Q3 में 12,165 करोड़ का था। और सीधे से अब प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं, नेट प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड की बात करते हैं, 9,835 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है टाटा स्टील को और एक साल पहले 7,161 करोड़ का हुआ है और Q3 में 9,598 करोड़ का था। तो देखिए क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से भी प्रॉफिट बढ़ा है और सालाना भी प्रॉफिट बढ़ के आया है, रेवेन्यू भी बढ़ा है और नेट प्रॉफिट 9,835 करोड़ का प्रॉफिट आया है, नेट प्रॉफिट आया है टाटा स्टील को। टोटल कंप्रेहेंसिव इनकम की बात करते हैं तो 10,353 करोड़ का है, साल भर पहले 6,131 करोड़ का था, Q3 में 10,485 करोड़ का था। अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं तो 79.91 का है और एक साल पहले 57.53 का था और Q3 में 79.10 का। तो टाटा स्टील ने जोरदार नतीजे पेश किए हैं, प्रॉफिट 9,835 करोड़ का है, टाटा स्टील का टोटल इनकम 69,615 करोड़ का है और जो प्रॉफिट है 9,835 करोड़ का है दोस्तों। तो जबरदस्त नतीजे पेश किए हैं, अर्निंग पर शेयर भी बढ़ा है और साथ में एक बड़ी न्यूज है स्पील्ड भी किया गया है दोस्तों, एक शेयर के बदले 10 शेयर होंगे और साथ में डिविडेंड भी दिया गया है ₹51।
अब दोस्तों डिविडेंड की बात करते हैं। टाटा स्टील ने Q4 के नतीजों के साथ 51 रुपया पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है। 51 रुपीज पर फुली पेड अप ऑर्डिनरी शेयर 10 रुपीज इज 510% टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड March 31, 2022। कंपनी ने Q4 के नतीजों के साथ 51 रुपया पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है, रिकमेंड किया है। तो टाटा स्टील लिमिटेड ने जबरदस्त नतीजे पेश किए हैं, साथ में स्प्लिट किया गया है, डिविडेंड दिया गया है, तो शेयर होल्डर्स को एक तरह से लॉटरी लगी है। और शेयर प्राइस की बात करें 1297 में है, और जिस तरह के नतीजे हैं, स्प्लिट किया गया है, डिविडेंड दिया गया, तो स्टॉक में तेजी आने की संभावना रहेगी दोस्तों। तो बढ़िया नतीजे पेश किए हैं टाटा स्टील ने। वीडियो आपके मतलब का है तो लाइक का बटन दबाएं। शेयर बाजार से जुड़े रहने के लिए, स्टॉक मार्केट से जुड़े रहने के लिए, जानकारी के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।